नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज इस खास कार्यक्रम का मुद्दा है जारी है ईडी आईटी के रेड। दरअसल दिल्ली में कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज ईडी और इनकम टैक्स की चार राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। बता दें आपको कि ईडी ने नगरपालिका भर्ती घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रथिन घोष के यहां पर भी छापेमारी की है। तो आईटी ने चेन्नई में डीएमके सांसद के यहां पर रेड मारी है। बता दें आपको कि इसके अलावा तेलंगाना में बीआरएस विधायक और कर्नाटक के शिवमोगा में डीसीसी बैंक के चेयरमैन की यहां पर छापेमारी हुई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री रथिन घोष के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई नगर पालिका भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर की गई है। बताया भी जा रहा है कि रथिन के कोलकाता आवास समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मध्यमग्राम सीट से विधायक रथिन घोष ममता सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं। बताया भी जाता है कि तमिलनाडु में डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के परिसरों पर आयकर विभाग तलाशी कर रहा है और विभाग की ओर से 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आईटी की ओर से बताया भी जा रहा है कि जो कई कंपनी है जिन पर छापेमारी की गई है, तेलंगाना में आईटी ने बीआरएस विधायक मंगती गोपीनाथ से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की है। आईटी अधिकारियों की कई टीमें कुकटपल्ली में उनके आवास और कार्यालयों समेत हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों में तलाशी ले रखी है। ईडी ने डीसीसी बैंक के चेयरमैन मंजुनाथ गौड़ा के शिवमोगा स्थित आवास पर छापेमारी की है। वहीं अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और शिवमोगा के उनके 3 आवास पर छापेमारी चल रही है। एक बार फिर से जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है और विपक्ष भी कार्रवाई को लेकर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। तो वहीं इसी को लेकर आज खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी कल ईडी ने की और उसके बाद आज जो कोर्ट में पेश हुई है, लेकिन उससे पहले ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है और विपक्ष की बहुत कम ये कहा जा सकता है कि पार्टियां से अछूती है जहां पर ईडी या आईटी या सीबीआई के छापे ना पड़ रहे हो। सही बात है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि संजय सिंह का नाम गलत लगा दिया था ईडी ने, और बकाया संजय सिंह जी जब इस पर दावा किया तो ईडी को वापस लेना पड़ा नाम, कि नहीं साहब हम किसी और का नाम लिखना चाह रहे थे और आपका नाम आ गया। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। आपने ईडी में तो ये जो किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है आप इसकी क्रोध नहीं समझिए, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है। आप कहो आप इससे क्यों, क्योंकि ये जो हमारा गठबंधन बना है 26 सालों का, तो ये इतना मजबूत हो रहा है, मजबूती की ओर हो रहा है, इससे इनको घबराहट और बौखलाहट है। कानून हमें काम कर रहा है ना, आप जो है उसको जो है चुनावों के दरमियान कि हम इनको कैसे प्रचार से डिबेल करें, इनको काम करने से उसमें व्यवधान उत्पन्न करें, ये सब सिवाय बौखलाहट और इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। तो ये इस तरीके से अलर्फान किया जा रहा है। कल 10 घंटे आपने देखा ईडी ने छापा क्यों मारा, क्या मिला क्या उसके अंदर से आप ये बताइए ना, कुछ मिला क्या, कुछ हासिल हुआ सिवाय हैरेसमेंट के अलावा, आपको परेशान कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी, मैं आज से नहीं जुड़ा हूं, पार्टी बनने से पहले संदीप जी जानते होंगे इस बात को अच्छी प्रकार से कि आम आदमी पार्टी का उदय क्यों हुआ, संघर्ष करके और आज इस स्थिति बन गई कि 10 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो ये भी एक तरीके से कहीं मौका आ रहा है कि इतने कम समय में इतनी तेजी से जो हमने गिरफ्तार है, 2-2 राज्यों में सरकार है, हम किस प्रकार से कुचले, किस प्रकार से दबाए, आपने देखा नहीं महाराष्ट्र में। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और बौखलाहट में ये कदम भारतीय जनता पार्टी के जरिए
उठवाया जा रहा है। संदीप जी देखिए, सीधे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लग रहे हैं कि आप लोगों के इशारे पर ही जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही है और विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। नेहा जी देखिए, स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि कट्टर ईमानदार लोगों की कट्टर ईमानदारी पहली बार सामने आई है, और इसलिए सामने आई है कि मैं तो संजय भाई को बहुत प्रेम करता हूँ और उनसे सहृदयता रही है। वो तो जब कहते थे आंदोलन के समय कि भैया राहुल, बहन प्रियंका, अखिलेश, पूरे देश भर में जितने जातिवादी नेता हैं, परिवारवादी नेता हैं, उनको जमकर कोसने का जब वो नारा देते थे और अपने भाषण में अपनी बात कहते तो जमकर तालियां बजती थी, हम उन तालियों से प्रभावित थे। लेकिन जो भ्रष्टाचार का विषय, भ्रष्टाचार के विषय पे नॉमन राज क्या कहते हैं कि ना नॉमन तेल हो न राधा नाचेंगी, ऐसा कुछ कहावत है। आज क्या हो गई है, आम आदमी पार्टी स्वयं में घिरी हुई पार्टी है, उसकी स्वयं की राजनीति में जो लोग हैं, अरविंद भाई ने सबको एक एक करके निपटा दिया। सबसे पहले किसको निपटाया, जो लोग ईमानदार जुड़े थे, इनके नजर में वो बेईमान थे, उनको बेईमान बता के पार्टी से बाहर किया। दूसरे बार किसको निपटाया, जो कट्टर ईमानदार थे, जो उनके इर्द गिर्द उनको जो चैलेंज करते थे राजनीति में, उनको निपटा दिया। अब कट्टर के महाकट्टर वो स्वयं बचे हैं। अब जब वो जेल जाएंगे तो ये पार्टी में देखिएगा, उनकी पत्नी जो होंगी वो मुख्यमंत्री बनेंगी। अब कल का पीसी देखिएगा, उनके पीछे उनकी पत्नी, महिला, एक दल दो तीन नेताओं के उनको दिख रहे थे। तो धीरे धीरे आम आदमी देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये भी आरोप है, जिस तरह से आप लोग ये कह रहे हैं कि अब केजरीवाल जब अंदर जाएंगे तब सब चीजें निकल के सामने आएगी। इससे पहले ये कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, संजय सिंह अब जेल जाएंगे, संजय सिंह ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल जाता है कि अब कौन सा नेता जेल जाएगा। जैसे संजीव भाई को पता चला कि चार सीट में ना संजय भाई का नाम आ गया, ये तो कह रहे हैं कि चार सीट में संजय भाई का नाम निकल गया। मैं बताऊं, चार जगह चार सीट पे नाम था, तीन जगह चार सीट में संजय जी का नाम है। और ये खेल क्या है, जरा नेहा जी समझिए, ये खेल ये है कि विदेशी पैसे कैसे भारत में आए, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुआ, शराब नीति पॉलिसी बनाने में वो पैसे कैसे आरतियों के द्वारा इधर से उधर गए। और ये जो नाम इनके आए हैं ना, किसी और ने नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं लिया है। संजय जी के अगल बगल जो कट्टर ईमानदार लोग, कट्टर ईमानदार के साथ रहते थे, उन्हीं लोगों ने बताया है कि ये पैसे आए। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आज संजय भाई जेल गए हैं, मुझे इस बात का दुख है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी थी, आज से उस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। इस बात से हम करोड़ों युवा आते हैं, इसलिए आते हैं कि हम सब लोगों की राजनीति की शुरुआत भ्रष्टाचार के खिलाफ इस नीति और नियत से हुई थी। ठीक है, ठीक है डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, देखिए साफ तौर पे अभी संदीप जी कह रहे हैं कि जो कट्टर ईमानदार होने का दम भरते थे, ऐसे लोगों पर ईडी का और आईटी का शिकंजा कसा जा रहा है। तो ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ी की है, भ्रष्टाचार किया है, तो ईडी तो अपना काम करेगी ना। फिर इसमें विपक्षी पार्टियों को ये क्यों लग रहा है कि मोदी सरकार घबरा गई, मोदी सरकार बौखला गई, उसकी उसकी ये बौखलाहट है, हमारा महागठबंधन बन गया, हमारा इंडिया गठबंधन बन गया, उससे एनडीए सरकार जो है वो परेशानी में है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? देखिए मैडम, बात क्योंकि भ्रष्टाचार की हो रही है, और अगर संजय सिंह आज जो है ईडी की गिरफ्त में है और वो जेल जा चुके, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि आज देश में जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो आज भ्रष्टाचार की बात कर रही, केवल हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी ये पार्टी है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका नाम बंगारू लक्ष्मण था, वो भ्रष्टाचार के सिलसिले में जेल गए थे। इसके बाद में ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि माइनिंग घोटाले में बीएस येदुरप्पा जी का नाम था, इन्होंने उनको जो है कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया। आसाम के अंदर वाटर घोटाले में हेमंत विश्वकर्मा जी का नाम था, उन्हें जो है आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद अगर शिवराज सिंह चौहान का नाम था, उन्हें जो है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। बंगाल के अंदर सुवेंदु अधिकारी जिनका जो है शारदा घोटाले में नाम था, इन्होंने उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भाई जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाती है, अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को फंसा के, और मैं तो ये कह रहा कि ये संजय सिंह
ही जेल नहीं गए। मैं तो ये कह रहा हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेशन जेल चल रहा, और इस ऑपरेशन जेल में जेल कौन जाएगा, इसमें नेता जाएंगे और पत्रकार जाएंगे, वे जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अभी देखो दो दिन पहले कितने पत्रकारों को जो है गिरफ्तार किया गया, उनके नाम भी मैं बता रहा, अभिषेक शर्मा सरकार के खिलाफ बोलते थे, ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी, उर्मिले आशा सिंह न्यूज क्लिक के जितने भी पत्रकार थे जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और वो शायद जनता की आवाज उठा रहे थे। ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा भाई कोई नेता हो कोई पत्रकार मतलब हो आपका ये कहना है कि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ईडी के और जो सीबीआई के ये जो आईटी के छापे पड़ रहे हैं उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है। ऋषिपाल जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। संजय सिंह का ही कल एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पहले रेड पड़ी, क्या तुरंत ईडी के पास ये अधिकार है कि तुरंत बिना नोटिस दिए रेड मार दे या फिर उसके बाद गिरफ्तारी कर ले, ये अधिकार उसके पास होता है क्या, उसकी क्या शक्तियां होती है बताइए। देखिए नेहा जी, जो वर्तमान हम केस की बात करते हैं तो जो ये आपका घोटाले का मामला जो है, तथागत जो भी घोटाले के मामले है, जिसको आम आदमी पार्टी कहती है कोई घोटाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहती है घोटाला है, वो ऑलरेडी वो एफआईआर बहुत पहले से जमा है और उसकी में जो सप्लीमेंट्री जो चार वो है चार्जशीट है, सप्लीमेंट्री जो तफ्तीश है वो लगातार चल रही है। बहुत सिंपल सी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और विपक्ष ये कहता है कि उसको गिरफ्तार किया गया और किसी पॉलिटिकल एम की वजह से गिरफ्तार किया गया, तो ऐसे कैसे संभव है जब उसको आज माननीय राहुल त्रिवेणी कोर्ट में पेश किया जाएगा संजय सिंह जी को, और अगर मान लीजिए वहां पर उनकी जो एडवोकेट है वो ये बहस करते कि इनके खिलाफ गिरफ्तार करने का कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि इनकी जुडिशियल कस्टडी ली जाए या बढ़ाई जाए, तो ऐसी स्थिति में जज कहते हैं जुडिशियल कस्टडी नहीं देगा। तो इम्पोर्टेंट है ऐसा जो भी एजेंसी है, देखिए चाहे ईडी है चाहे सीबीआई है, जब वो किसी को गिरफ्तार करती है तो केवल गिरफ्तार ही नहीं करती कि गिरफ्तार कर लिया काम खत्म कर दिया, उनको कोर्ट के अंदर 24 घंटे पेश करना होता है। 24 घंटे के अंदर पेश करने के बाद जब जुडिशियल कस्टडी लेनी है या उनकी रिमांड पर्सनल रिमांड लेनी है पुलिस रिमांड लेना है तो कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि प्राइमा फेसा ये एविडेंसेस है, इन एविडेंसेस के चलते जो है इसकी कस्टडी रिक्वायर्ड है। और अगर ऐसा होता, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, अगर ऐसा होता कि कोई एविडेंस नहीं होते तो सिसोदिया जी हैं और जैन साहब उनकी जो बेल है सुप्रीम कोर्ट तक होके आ गई है, लेकिन बेल नहीं मिली। अगर बेल नहीं मिली तो कोर्ट उस समय जब बेल पे आर्गुमेंट होता कोर्ट ये तो पूछता ही है ना कि हाँ भाई कौन से एविडेंस के खिलाफ है, पुख्ता एविडेंस जब होते हैं तभी जाके कोर्ट जो होता है उनकी बेल डिसमिस करता है। तो अपने आप में प्राइमा फेसा अगर आप देखेंगे तो प्राइमा फेसा डेफिनेटली एविडेंस जो है वो ईडी के पास है, तभी जो है उनकी गिरफ्तारी संभव है। ठीक है, और लगातार इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसीज हैं उसका दुरुपयोग करने का काम मौजूदा सरकार यानी कि मौजूदा केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ऐसे में ऋषिपाल जी इसका क्या कानूनी इस पे कार्रवाई की जा सकती है, विपक्षी पार्टियां अगर इस मुद्दे को उठाती है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है क्या, इसके लिए क्या कुछ अपनाया जा सकता है? पूछूंगी सर मैं एक सेकंड मैं पूछूंगी आपसे एक छोटा सा ब्रेक, उससे पहले मुझे यहाँ पे लेना पड़ रहा है ऋषिपाल जी का जिस बात का जिक्र सर ब्रेक पे जाने से पहले किया जा रहा था, जल्दी से जवाब दे दीजिए उसका। बिल्कुल नेहा जी, हर व्यक्ति को चाहे वो कोई बहुत बड़ा नेता हो और जो सामान्य आदमी हो, हर व्यक्ति को अधिकार है कि अगर कोई भी स्टेट या कोई एजेंसी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है या इवन सिंपल नोटिस भी देती है और उस व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और ये जो नोटिस दिया गया या उसको अरेस्ट किया गया दुर्भावने से किया गया, तो उसको जरूरी नहीं कि चार्जशीट को फाइल होने का वेट करेगा, वो डायरेक्ट जो है हाईकोर्ट जा सकता है, उस नोटिस को गिरफ्तारी को क्वेश्चन करा सकता है कि गिरफ्तारी जो गैर कानूनी है या नोटिस जो मुझे दिया गया इवन नोटिस तक जो है गैर कानूनी है, तो ये अधिकार सबके पास है। अगर वो चाहे तो आज भी हाईकोर्ट पिटीशन लगा सकते हैं कि मेरी गिरफ्तारी जो गैर कानूनी कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, आम आदमी पार्टी का हम रुख कर लेते हैं। संजीव निगम जी, देखिए अगर लगता है कि गैर कानूनी तरीके से किया गया है या फिर मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं या किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हैं, आप सिर्फ ये आरोप लगाने के राजनीतिक तौर पर कि मौजूदा सरकार हमें परेशान कर रही है, इसके अलावा आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? सोनिया जी का केस आज सुप्रीम कोर्ट में है, वहां पर बहस हो रही है, तो बिल्कुल आपके पास। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखिए, आपको मैं उदाहरण देता हूं, कुछ दिन पहले जब चल रही थी तो उसमें केस आया था हमारे सांसद जो संजय सिंह जी है, इनको सस्पेंड कर दिया गया।
अब देखिए वापस क्यों सस्पेंड कर दिया गया, क्या कसूर था? अपनी बात कहने जा रहे थे मणिपुर के मामले में, तुरंत फटाफट नहीं मैं कोर्ट के फैसला कर रही हूँ ना, नहीं नहीं आप गलत ट्रैक में लेके जा रहे हैं ना, सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल का ही जवाब है, लेकिन कहीं ना कहीं से क्या आप ये देखिए, आप मानेंगे कि इसमें बिल्कुल सब कुछ 100% एजेंसी जो कोर्ट कर रही है, इनका पॉलिटिकल कोई लेना देना नहीं है, कैसे मैं मान लूं? आपको एजेंसी पे विश्वास नहीं है, आपको किसी पे विश्वास नहीं है, आपको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, आपको अदालत पे भी विश्वास नहीं है, आप ये कौन सी बात होगी सर? कहीं तो विश्वास रखिए ना। नहीं आप अदालत पे विश्वास भी है और हम अदालत के निर्णय का सम्मान भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ताजी बात है, भोपाल में बोला प्रधानमंत्री मोदी ने कि साहब एनसीपी में 70,000 करोड़ का घोटाला है, अगले दिन आपने उनको डिप्टी सीएम का पद दे दिया, चुप हो गया, सब मंदिर ठंडा हो गया। नहीं मुझे ये बताइए कि अगर ईडी बेवजह परेशान कर रही है, ईडी बेवजह परेशान कर रही है तो उसके खिलाफ क्या आप आवाज नहीं उठा सकते हैं क्या? क्यों नहीं उठाते? आवाज उठाई गई। कब उठाई गई? कब उठाई बताइए ना, जाइए ना कोर्ट, क्यों नहीं जाते आप लोग? पीछे जो है जब नाम लिया था संजय जी का, गलत नाम लिया था, संजय सिंह ने मुकदमा दायर करने की बात कही, उनका नाम हटाया गया, लेकिन अभी आप फिर कर रहे हैं। इसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हम इसको मानेंगे नहीं। आप अदालत के निर्णय का कितना सम्मान करते हैं? अभी अदालत के निर्णय, अभी ऋषिपाल जी ने कहा ना कि कुछ तो ऐसे पुख्ता चीजें होंगी ना जिसको आधार मानते हुए कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। वो बात हम आपसे मान रहे हैं, लेकिन आप बताइए और भी कारण है सर। जब मान ही रहे हैं तो आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करवा रही है? कैसे इसके पीछे इनका मोटिव है? क्या मोटिव है? हमारी 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 जो पार्टी है लगातार तेजी से बढ़ रही है, दो राज्यों में सरकार है, अभी गठबंधन के साथ मजबूती से जो है चल रहा है, इसके पीछे इन लोगों कैसे हम उनके डिबेट करें? आप देख लीजिए पीछे की घटनाओं का, आप ले लीजिए विवरण ले लीजिए अभी। ठीक है, नहीं 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 ठीक है, संदीप जी डर लग रहा है क्या आप लोगों को? कह रहे कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी से बल्कि टीएमसी से भी डर लग रहा है और डीएमके से भी डर लग रहा है। आप लोगों को इतना डर लग रहा है कि विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर आप लोग निशाना बना रहे हैं। कह रहे सत्ताधारी पार्टी के सारे नेता क्या वॉशिंग पाउडर, ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है सर जिसमें सब नहा लेते हैं, सबको उस मशीन में डाल के आप लोग बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं और बाकी जितने विपक्ष के नेता है सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं? नेहा जी एक बात तो आप मानेंगे ना, ये कितनी अच्छी शुरुआत है राजनीति में। राजनीति में हम सब नेताओं को सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और लोकतंत्र की इस समय जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि इसमें योग्यता को मान्यता नहीं मिल रही है, इसमें लोकप्रियता को मान्यता मिल रही है, और व्यक्ति लोकप्रिय होने के लिए तरह तरह के काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, तो ऐसी राजनीति भारतीय लोकतंत्र को तो कमजोर करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप किसी भी पार्टी में हो, मैं तो कहता हूँ हमें पार्टी इस बात के लिए खुला छूट थोड़ी दे देती है कि हम देश की संपत्ति का लूट मुद्दे पर रही, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। काम करने वाली जो सवाल का, भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में ऐसे ऐसे नेता नहीं है क्या जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है? मोहल्ले में यहाँ जो जो मोहल्ला है उसमें लोग 1 get 1 free पी के आते थे, और सबसे ज्यादा अत्याचार पतियों ने अपने पत्नियों पे किया, दो दो बोतल तीन तीन बोतल छुपा छुपा के रखते थे, तो ये तो पूरी दिल्ली को पता है ना कि बोतल छुपाऊ जो माल है वो कहाँ कहाँ है, और अभी असली चोर तो गिरफ्तार होना बाकी है जो इन लोगों ने जिसको जिस तक पैसा पहुंचाया है। तो ये झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलने वाली है, और किसी भी आपके कहने से कोई चोर नहीं हो जाएगा ना सर, आपके कहने से कोई चोर नहीं हो जाएगा ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है क्या, या एनडीए के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है क्या, या जो बाहर से नेता आए हैं वो बीजेपी में आकर पाक साफ हो गए हैं क्या, उनके ऊपर क्यों नहीं ईडी की छापेमारी होती, आईटी की छापेमारी होती? जो सीबीआई है, ईडी है, जो एजेंसियां वो काम कर रही हैं, और सब लोग जो गलत लोग हैं उनकी जगह जेल है, वो चाहे किसी भी दल में हो किसी पार्टी में हो, व्यवस्था बदलने की जिम्मेदारी हम सबकी है, और हम सबके अच्छे बुरे। जब तक टीएमसी में थे शुभेंदु अधिकारी तो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन आपकी पार्टी में आ गए तो पाक साफ हो गए। अजीत पवार जब तक वो एनसीपी में थे, राहुल जी बेल पे नहीं है क्या, सोनिया जी बेल पे नहीं है क्या, लालू जी बेल पे नहीं है क्या? तो फिर बता दीजिए ना, हम चार चरित्र चेहरे की बात करते हैं जो बेवजह करते हैं हम लोग, चार चरित्र चेहरे की बात मत किया करिए ना सर, आप भी उन्हीं पार्टियों की राह पे चल रहे हैं ना, फिर आप दूसरी पार्टियों से अलग कैसे हैं बताइए?
बीजेपी कांग्रेस मत करिए ना। अगर 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 ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का गलत प्रयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, तो कह दीजिए आप कर रहे हैं। अगर आप भी उसी राह पे चल रहे हैं तो डिसाइड करेगा नया जी, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। अब आपको बता दें, जेल भी इनकी, कोर्ट भी इनका, दिल्ली दिल्ली सरकार की कोर्ट है ना, जो दिल्ली में जितनी छोटी छोटी जो डिस्ट्रिक्ट न्यायपालिका है, कोर्ट भी इनकी है, जेल जो है इनका है, और वहाँ फैसला भी इनका होगा। ये परिपाटी कौन सिखा के गया है सर, ये परिपाटी कौन सिखा के गया है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना है और कैसे करना है और कैसे किया जा सकता है? दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आप गलियारों में, दिल्ली के गलियारों में जाके देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। सुन लेते हैं, लोग कह रहे हैं ना, ये जो घोटाले हुए हैं, ये जो शराब नीति थी वो बिल्कुल इस तरह थी कि बहनों का इनके पास में कोई जवाब नहीं। तो संजीव जी ने मान लिया है ना, संजीव जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ऐसी बन जाए, ये श्रीमान जी जरा चुप रहिए, अब सुन लेते हैं, सिरमौर को खराब नहीं होने दें जी, अब सुन लेते हैं। कुलदीप जी, मैडम सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास में कोई जवाब नहीं। मैंने पहले भी कहा आप तो कम से कम भाई, ये भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बड़ी जो है भ्रष्टाचारी जो है पार्टी है, इनके तो बंगारू लक्ष्मण जो अध्यक्ष थे वो जेल जा चुके। इसके बाद मैंने चार आदमी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, ये परिपाटी किसने सिखाई, ये परिपाटी की शुरुआत किसने की कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में करने के लिए, अपने साथ करने के लिए छापेमारी करवाएं? नेहा मैडम, मैं बिल्कुल गंभीरता से कह रहा, कांग्रेस, आप कांग्रेस की बात कर रही है, अगर कांग्रेस ने कुछ गलत काम करे तो क्या वे गलत काम अब भारतीय जनता पार्टी भी करेगी? क्या हमने इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपी थी? मतलब सिखा के तो आप ही गए, सिखा के तो आप ही गए कि ऐसे किया जा सकता है? नहीं, हमने कहां से सिखा दिए भाई, अरे ये तो सर उसको भूला जा सकता है क्या? दस जनपद पे आकर कौन कौन माथा टेकता था कि हमें बख्श दीजिए, बुलाया जा सकता है क्या? हमने तो ये देश बनाया, ये देश जब आजाद हुआ, सर आपने तो क्या क्या किया जनता को पता है, हमारे पास शिक्षा नहीं थी, हमारे पास रोजगार नहीं थे, हमारे पास संस्थाएं नहीं थी, हमने तो इस देश को खड़ा किया और इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। ये तय आप नहीं करेंगे ना कुलदीप मलिक जी, किसने बर्बाद किया, किसने आबाद किया, ये आप तय नहीं करेंगे ना, तो जनता तय करेगी। ऋषिपाल जी जल्दी से 10 सेकंड सर अपनी बात रखिए, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। इस पॉइंट पे एक सवाल जरूर रहता है कि अगर विपक्ष को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो भ्रष्ट है और वो उन लोगों ने भी बहुत गलत काम किए हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, पुलिस प्रशासन जो है वो सारा का सारा सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो चाहे तो उनके ऊपर केसेस दर्ज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो क्यों रुकते हैं? अगर कोई भी गलत करता है, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उनको भी अधिकार है अपने स्टेट के अंदर उन व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करें और वो एविडेंस इकट्ठा करें। पंजाब में हो रहा है ना, पंजाब में हो रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहां ये बोलेंगे नहीं क्योंकि महागठबंधन की बात होती है, वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।